हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम अपने फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। तो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे फोन में अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो वो किस कारण से नहीं आता है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने फोन पे आ जाइए और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रबल शूट बताऊंगा जो आपको अपने फोन में करना है, उसके बाद आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में ऊपर से स्लाइड करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एयरप्लेन मोड, देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और इसे एनेबल करना है और फिर वापस इसे बंद कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो एक्चुअली नेटवर्क जो होता है वो डिसेबल होके वापस से नेटवर्क आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नेटवर्क आ चुका है। अगर आपका फ़ोन में नेटवर्क फिर भी नहीं आ रहा है तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स पे जाना है और सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कुछ सेटिंग्स जो है उसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऊपर में आप सिम सेलेक्ट कर लीजिए, जिसमें भी आपको नेटवर्क नहीं आ रहा है उस सिम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन, यहाँ पे इनेबल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या करना है आपको, यहाँ पे इसे एक बार बंद कर देना है तो ये डिसेबल हो जाएगा और वापस से इसे एनेबल करेंगे तो ये एक्चुअली सिम कार्ड जो है उसे बंद कर देता है और वापस से उसे एनेबल करने पे खोल देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऑन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको चेक कर लेना है कि ये वोल्टी कॉल्स जो है वो एनेबल है कि नहीं, यहाँ पे आप इसे एनेबल कर लेंगे। उसके बाद प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन होता है 5G, 4G, 3G, 2G या फिर आपके फ़ोन में 5G नहीं है तो 4G, 3G, 2G ऑटो पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है। और यहाँ पे एक और सेटिंग होता है APN सेटिंग, जिसको बोलते हैं एक्सेस पॉइंट नेम इसे बोलते हैं। तो अगर आप इस सेटिंग में कोई भी चेंजेस किए हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है और उसके बाद इसे रीसेट डिफ़ॉल्ट करना है। तो इस पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद रीसेट एक्सेस पॉइंट पे क्लिक कर देना है और रीसेट एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करके इसे डिफ़ॉल्ट रीसेट कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे और अब यहाँ पे हमने जो सेटिंग है वो सभी का सभी सेटिंग जो है वो सही कर लिया है, सिम का जो सेटिंग होता है वो हमने सही कर लिया है। अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे और अब आपको देख लेना है कि आपके फ़ोन में नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये सब करने के बाद भी आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन में एक बार सिम ट्रे जो होता है उसे एक बार बाहर निकालना है और बाहर निकालने के बाद एक बार सिम को साफ कर लेना है किसी साफ कपड़े से, उसे साफ कर लीजिए और साफ करने के बाद वापस से उसे लगा देंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपके फ़ोन में नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। अगर फिर भी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, कुछ देर वेट कीजिएगा, उसके बाद फिर भी अगर आपका नेटवर्क नहीं आएगा तो आपको एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। कई बार हमारा जो फ़ोन है वो बहुत सारे प्रॉब्लम रीस्टार्ट करने से ही सॉल्व हो जाता है तो हमें अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो नेटवर्क है वो बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है और कई दिन हो गया है आपका फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपके फ़ोन में कोई हार्डवेयर लेवल इशू होगा जिसके कारण से नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। तो आपको एक बार सर्विस सेंटर भी विजिट करके देख लेना है कि कहीं आपके फ़ोन में कोई हार्डवेयर लेवल का तो इशू नहीं है, तो उसे भी आपको चेक कर लेना है। तो इसी तरीके से आप भी अपने फ़ोन का जो नेटवर्क है, नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।